नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज दिवाली स्पेशल में हम बनाएंगे मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन। तो चलिए मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम मिल्क पाउडर से मावा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे एक पैन को गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें 3 टेबल स्पून घी डाल दिया है। मावा बनाने के लिए घी का ही इस्तेमाल करें। घी के मेल्ट होते ही इसमें 1 कप फुल फैट दूध डाल दिया है और दूध को चलाने के बाद इसमें 1.5 कप मिल्क पाउडर डाल दिया है। मिल्क पाउडर को दूध में ऐड करते ही इसे बराबर चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़ जाए। अब इसे ड्राई होने तक बराबर चलाते रहेंगे। मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई मावे की मिठाई बनानी होती है तो मैं मिल्क पाउडर से मावा बनाना ही प्रिफर करती हूँ, क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है और इसे साफ़ सुथरे तरीके से घर में बनाया जा सकता है। साथ ही ये बहुत टेस्टी भी होता है। आप भी इस तरीके से मिल्क पाउडर से मावा तैयार करके घर में मिठाई बना सकते हैं। देखिए, अब ये ड्राई हो गया है। बस इतने पर हम गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ड्राई हो जाएगा। और अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जब तक ये पूरी तरह ठंडा हो रहा है, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन को गैस पे चढ़ा दिया है और उसमें 1 कप और 1/4 कप शक्कर ऐड कर दिया है। अब शक्कर के बराबर ही इसमें पानी ऐड किया है, तो मैंने इसमें 1 कप और 1/4 कप पानी डाल दिया है। अब चाशनी को हम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। गुलाब जामुन की चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। चाशनी में मैंने 2 छोटी इलायची का मुंह खोलकर डाल दिया है। इलायची का टेस्ट चाशनी में बहुत अच्छा लगता है और 8 से 10 धागे केसर के डाल दिए हैं, इससे कलर अच्छा आएगा। अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे। 12 मिनट हो चुके हैं, चाशनी तैयार है। तो अब लास्ट में इसमें नींबू निचोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 नींबू का रस निचोड़ दिया है। नींबू डालने से चाशनी गाढ़ी नहीं होती है। अब चाशनी वाले बर्तन को साइड में रख देंगे और गैस पे तेल गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे। मावा ठंडा हो चुका है, तो अब इसका डो तैयार कर लेंगे। अभी मैंने मावे में 3 टेबल स्पून मैदा डाला है। मैदे को मावे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मावे और मैदे को बहुत अच्छे से मसलना है। जितने अच्छे से मावा नीड होगा, उतने अच्छे से गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे। मैंने मावे को अच्छे से गूंद लिया है, लेकिन मैं इसमें अभी 1 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ, ताकि थाली में जितना भी मावा लगा है वो सब निकल जाए और एक जगह पे हो जाए। घी डालने से गुलाब जामुन के बॉल बहुत सॉफ्ट बनते हैं और डो हाथ पे चिपकता नहीं है। अब डो रेडी है, तो बॉल बनाना शुरू करते हैं। डो में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेंगे और उसे इस तरीके से हथेली पर लेकर गोल कर लेंगे। और ये देखिए, बॉल तैयार है। बस इसी तरीके से डो में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल कर एक साइज की सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो बॉल्स में स्टफिंग भी कर सकते हैं। बॉल्स रेडी हैं, तो अब इन्हें तलने के प्रोसेस में चलते हैं।
गुलाब जामुन तलने के लिए गैस की फ्लेम लो रखेंगे और अब तेल में एक एक करके सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। मावे के गुलाब जामुन का कलर जल्दी चेंज होने लगता है, इसलिए इसे हम पलट देंगे और इस तरीके से एक चम्मच की सहायता से इसे पलटते जाएंगे। मावा बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसे सावधानी से पलटें, नहीं तो ये टूट सकते हैं। और जब इस तरीके से डार्क ब्राउन कलर आ जाए तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। गुलाब जामुन फ्राई करने के बाद तुरंत इन्हें चाशनी में डाल दें ताकि ये चाशनी एब्जॉर्ब कर सकें। और अब देखिए, मैंने इन्हें चाशनी में डाल दिया है और चाशनी में डालने के बाद गुलाब जामुन को आधे एक घंटे के लिए भूल जाएं। चाशनी में पड़े रहने के बाद ये चाशनी एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे इनका साइज़ बढ़ जाएगा। एक घंटे के बाद ये देखिए कितने परफेक्ट गुलाब जामुन बनके तैयार हैं। तो अब हम इसे सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। आप भी बिना किसी झंझट के मिल्क पाउडर से इस तरीके से गुलाब जामुन बना सकते हैं, ये झटपट बन जाते हैं। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।